हेलो नमस्कार संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीका से कर रहे होंगे। तो आप लोग सभी को पता है, हमने भी आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे नंबर लाकर सिलेक्शन श्योर कर सकें। तो आज के 50 क्वेश्चनों के लिए तैयार है ना? बिल्कुल, लेकिन 50 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चनों का भी सही आंसर दे दिया तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन श्योर है। और चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और हाँ, उससे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने बताया था, आप लोगों ने जो कहा था वो मैंने कर दिया है। BSTC एग्जाम आप लोगों के लिए, देखिए 15 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार कर दिए, इससे बड़ा और कोई मौका नहीं है। प्लस में 5000 MCQ, जिसमें राजस्थान जीके के 3000, 1000 हिंदी के और 1000 शिक्षण अभिरुचि के हैं। मात्र आप लोगों को ₹50 में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये हमारा नंबर है, नोट्स अगर लेने हैं आपको संग के संग, तो इस नंबर पर फोन पे डालिए और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजिए, हम आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। मौका भी है, दस्तूर भी है, ले लो अभी की अभी फटाफट, आपकी सफलता की उड़ान यहां से शुरू होती है। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान में बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र है ना, बिल्कुल बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, बाड़मेर के अंदर। हरित क्रांति के जनक थे, बताओ जल्दी, हरित क्रांति के जनक थे, देखिए नॉर्मल ई बोरलॉग। ऑप्शन नंबर डी, कौन थे हरित क्रांति के जनक थे? नॉर्मल ई बोरलॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य, देखिए खरवाल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, खरवाल जाति के लोगों के जरिए जो किया जाता है वो पचपंद्रा है, कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी लगा लेना, पचपंद्रा जो, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील साभर, जो कहां पर है आपकी? जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है, कहां पर है ये? जयपुर के अंदर होगी, ठीक है। तिलवाड़ा झील स्थित है, जल्दी जल्दी बताओ सभी प्यारे बच्चों, तिलवाड़ा झील कहां पर स्थित है? तो देखिए ये हो जाएगी आपकी, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी प्यारे बच्चों, हनुमानगढ़ के अंदर, बिल्कुल सही कर लेना है। बालसमंद झील स्थित है, इसके बारे में बताओ सभी बच्चों, बालसमंद झील है जोधपुर के अंदर, याद कर लेना है, यहाँ पर आपका मेहरानगढ़ फोर्ट भी है। ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, जोधपुर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की किस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने जो रखी थी वो हो जाएगी आपकी, देखिए फतेह सागर। ऑप्शन नंबर डी, किसने रखी थी भाई? फतेह सागर के जरिए रखी गई थी। हर एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे वाले क्वेश्चन है, मिस मत कर देना क्लास को, वरना बहुत दिक्कत में जड़ जाओगे। चलिएगा, राजस्थान का एकमात्र वन जीव अभ्यारण कौन सा है जो विश्व धरोहर में शामिल है? विश्व धरोहर के अंदर जो शामिल है वो कौन सा हो जाएगा, याद कर लेना, केवला देव घना पक्षी बिहार। पड़ता कहां पर है? भरतपुर के अंदर पड़ता, भरतपुर के अंदर, ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए कहां पर है, केवला देव घना पक्षी बिहार, भरतपुर के अंदर। राजस्थान के किस क्षेत्र में बिंद का पठार स्थित है? बताओ राजस्थान के किस क्षेत्र में बिंद का पठार स्थित है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? देखिए दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा लाडले बच्चों? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आप लोगों को लगा लेना है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है, प्रथम नहर परियोजना कौन सी है? देखिए गंग नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी, प्रथम नहर परियोजना कौन सी हो जाएगी? गंग नहर परियोजना। एक एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, छाप लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का निधन हुआ था, निधन से पहले जन्म होता, तो जन्म कब हुआ था? देखिए 9 मई सन 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता, निधन तो आपका 1597 के अंदर हो जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है, 1597। गागरौन का किला किस श्रेणी में आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गागरौन का किला कौन सी श्रेणी के अंदर आता है? तो देखिए ये जल दुर्ग के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी, गागरौन का किला किस श्रेणी के अंदर आता है? जल दुर्ग के अंदर आता है गागरौन का किला जो। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है, बताइएगा,
सभी को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो यार आप लोगों का फर्ज बनता है। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है, मरु त्रिकोण याद कर लेना आपका पर्यटन विकास से, किससे हो जाएगा भाई, पर्यटन विकास से राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी पर्यटन विकास से। जो प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, प्रसिद्ध जो मीनाकारी थेवा कला का संबंध है ना, ये हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ से, बिल्कुल सही कर लेना लाडले बच्चों, किससे हो जाएगा प्रतापगढ़ से, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है प्रतापगढ़ से जो, ठीक है ना। राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली में, देखिए कौन सी शैली से माना जाता है, उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है, तो देखिए अपभ्रंश आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना, कौन सी शैली से माना जाता है, अपभ्रंश शैली से माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका अपभ्रंश। जो रामानुजन संप्रदाय की प्रमुख गद्दी किस स्थान पर है, जल्दी जल्दी बताओ, देखिए प्रमुख जो गद्दी है ना ये हो जाएगी आपकी गलताजी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी प्रमुख गद्दी किस स्थान पर है, गलताजी के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर लेना है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, अब ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम के अंदर और बच्चे क्या हो जाते हैं मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को मिस्टेक नहीं करने देंगे। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है इसके बारे में बताएगा, तो जसनाथ जी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से हो जाएगा, जसनाथ जी संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लगा लेना है जसनाथ जी संप्रदाय से जो, ठीक है ना। राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, अब बताओ भाई जसनाथ जी संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, याद कर लेना है आप लोगों को नाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, नाथ द्वारा बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों को नाथ द्वारा। राज्य में केंद्रीय बीज फार्म कहां पर स्थित है, वाह क्या क्वेश्चन है भाई, केंद्रीय बीज फार्म कहां पर है, बिल्कुल सूरतगढ़ के अंदर, बिल्कुल सही कर लेना है सूरतगढ़, ऑप्शन नंबर ए कहां पर है, सूरतगढ़ के अंदर होगा। और हाँ अगर आप लोगों में से कमेंट जरूर करना है 50 क्वेश्चनों में से जिसके 40 क्वेश्चन सही होंगे लिख लेना, सिलेक्शन श्योर है भाई, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, कुएं एवं नलकूपों से होती है। राज्य में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है, पान मेथी के उत्पादन हेतु उस जिले का नाम हो जाएगा नागौर, ऑप्शन नंबर सी कौन सा जिला भाई पान मेथी के लिए, नागौर आप लोगों का बिल्कुल सही होगा नागौर। राज्य में खरीफ तिलानों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोया जाता है, सबसे अधिक क्षेत्र पर जो बोया जाता है ना वो सोयाबीन बोया जाता है ना, बिल्कुल सही कर लेना ऑप्शन नंबर डी कौन सा बोया जाता है, सोयाबीन है जो। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है, सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली जो फसल है ना उसका नाम हो जाएगा बाजरा, बिल्कुल बाजरे की रोटी खाई होंगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा बाजरा आप लोगों का राइट आंसर होगा बाजरा। राज्य का देखिए यह जिला जो ईसरगोल जीरा टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईसरगोल जीरा टमाटर की उपज के लिए जो प्रसिद्ध है याद कर लेना जालौर, ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा भाई, जालौर आप लोगों को लगा लेना है जालौर है जो, बिल्कुल कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो और हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो, झुकने ना देंगे। चलिए राज्य में खड़ीन कृषि कहां पर की जाती है, खड़ीन कृषि कहां पर की जाती है, बिल्कुल बाड़मेर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी खड़ीन कृषि कहां पर की जाती है, बाड़मेर के अंदर की जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, देखिए सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है ना कौन सी हो जाएगी, जलोद मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी, जलोद मिट्टी आपका बिल्कुल सही कर लेना, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी, जलोद मिट्टी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लूनी नदी का जल किस सागर में गिरता है, बताइएगा भाई लूनी नदी का जल किस सागर में गिरता है, अरब सागर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी का जल किस सागर में गिरता है, अरब सागर के अंदर गिरता है लूनी नदी का जल।
कांतली नदी का उद्गम स्थल है, जल्दी बताओ भाई कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा। तो देखिए खंडेला की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कांतली नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियां, बिल्कुल सही कर लेना ऑप्शन नंबर बी खंडेला की पहाड़ियां। गैप सागर राजस्थान में कहां पर स्थित है, बताइए भाई जल्दी जल्दी गैप सागर राजस्थान में कहां पर स्थित है, याद कर लेना है डूंगरपुर के अंदर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी गैप सागर कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा, याद कर लेना है। और देखिए कोटा संभाग के अंदर सबसे ज्यादा आपकी नदियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। राज्य में देखिए बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है, अरावली का दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, याद कर लेना ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना ऑप्शन नंबर ए आंसर है जो। राज्य में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है, सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो देखिए चंबल ऑप्शन नंबर बी किस नदी में सर्वाधिक है, भाई चंबल के अंदर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही कर लेना है। राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तालाबों के जरिए सर्वाधिक सिंचाई दक्षिण के अंदर, बिल्कुल सही कर लेना है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण इज द राइट आंसर होगा आपका, दक्षिण ऑप्शन नंबर सी कर लेना है, दक्षिण है जो, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा जो, राज्य में कौन सा बांध मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई व विद्युत उपलब्धता के लिए बनाया गया, बताओ सिंचाई और विद्युत उपलब्धता के लिए बनाया गया है। देखिए जाखम बांध बनाया गया है, बिल्कुल सही कर लेना ऑप्शन नंबर सी जाखम बनाया गया है, जाखम है जो। और आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया ना अभी तक और सब्सक्राइब भी नहीं किया, इतनी मेहनत करने पर पैसे तो आपके खर्च हो नहीं रहे, तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने बच्चों को, कम से कम सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए और मेहनत करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ना वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से, किससे होती है भाई बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से, ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से। त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राज्य के किस जिले में है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई जल्दी देखो भाई, त्रिवेणी नदियों का डूंगरपुर, बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर, बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों का डूंगरपुर है जो। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है, ओहो मिट्टी से बना बांध कौन सा है, देखिए पांचना बांध आप लोगों का मिट्टी से बंधा हुआ है, कौन सा पांचना बांध, बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों को पांचना बांध है जो, ठीक है ना। चलिए मेजा बांध का निर्माण हुआ है, बताओ प्यारे बच्चों मेजा बांध का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेजा बांध का कोठारी नदी पर, कौन सी नदी पर हुआ है मेजा बांध का निर्माण, कोठारी नदी पर हुआ है मेजा बांध का निर्माण, कोठारी नदी के अंदर जो। जिस दिशा में अरावली की श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है उसके बारे में बताना है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है उसके बारे में बताओ। देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल सही कर लेना है। उपरमाल क्या, ये हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ उपरमाल है, उपरमाल के बारे में सभी बच्चे बताओ, उपरमाल क्या होगा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की पहाड़ी पठारी जो भूमि है ना वो उपरमाल होगी, ठीक है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लगा लेना उपरमाल के बारे में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली के द्वारा बीच से विभाजित है, किस नदी प्रणाली के द्वारा बीच से विभाजित है, तो देखिए लूनी एवं बनास, ऑप्शन नंबर बी लगा लेना, कौन सी है भाई लूनी एवं बनास होगी। राज्य के सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, अरे मेरे दोस्तों सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, अरे गोटन के अंदर होता है, कहां पर होता है भाई सफेद सीमेंट का उत्पादन, गोटन के अंदर होता है ऑप्शन नंबर बी, सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां होता है, गोटन के अंदर होता है ऑप्शन नंबर बी लगा लेना है गोटन के अंदर। राज्य में वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है, वस्त्र नगरी के रूप में जो विख्यात है ना उसके बारे में बताओ, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात कौन सा भाई, भीलवाड़ा आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना, भीलवाड़ा जो वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है, ठीक है ना। चलिए राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया, बताओ भाई जल्दी जल्दी राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था, सीताराम लालस के जरिए ऑप्शन नंबर बी, किसने तैयार किया था, सीताराम लालस ने तैयार किया था।
बेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की थी? बताओ जल्दी जल्दी, बेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़। किसने की थी भाई? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली किशन रुक्मणी की रचना की थी। हाड़ौती पठार की मिट्टी है कौन सी है? बताओ जल्दी जल्दी, हाड़ौती पठार की मध्य काली कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी, मध्य काली होगी। हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्य काली है। जो मृदा अपरदन से सर्वाधिक सहायक नदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से सर्वाधिक सहायक नदी है, मृदा अपरदन से, तो देखिए चंबल नदी होगी भाई, चंबल नदी। मृदा अपरदन से कौन सी हो जाएगी? चंबल। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा लेना है, चंबल नदी हो जाएगी। डूंगरपुर में उदयपुर के मध्य तथा दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए लाल और पीली आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी कौन सी होगी? लाल और पीली, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। अब तो कर दो भाई, हैं शुरू, लास्ट का सीजन चल रहा है तो जल्दी जल्दी कर दो। राजस्थान की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी रेतीली, बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर सी कौन सी हो जाएगी? रेतीली आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, रेतीली है। जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, गोंद के लिए चौहटन, बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों को, गोंद के लिए कौन सा हो जाएगा? चौहटन। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लगा लेना, गोंद के लिए कौन सा होगा? चौहटन राइट आंसर होगा। अब ये आप लोगों को कमेंट सेशन में जरूर बताना, ठीक है ना। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मुख्य रूप से राज्य के किस जिले को है भाई, ठीक है ना, जल्दी बताओ इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेशन में जरूर बताना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोगों ने, इसका भी आप लोगों को जरूर कमेंट करना है, ठीक है। और डेली की डेली आप लोगों के लिए शाम को कराई जाती है, ठीक है क्लास। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि टेस्ट दे रहे हैं आप लोगों के लिए, पीडीएफ सारी चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, संस्कार क्लासेज ऑफिशियल पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पर, यकीन मानिए बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में, और हाँ अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स नहीं लिया है, 15 मॉडल पेपर है, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और 5000 एमसीक्यू है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना, 5000 एमसीक्यू मात्र 50 रुपए में प्रोवाइड करा रहे हैं। नंबर है 9680-81-97 और 98, ठीक है ना। चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।